शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ हरिये से होंगे जा रहे हैं खुश रहें आबाद रहें आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी जिसको आप सिर्फ दस मिनट में बना कर तैयार करें और रफ्तार में खूब इंजॉय करें तो इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है और किस तरह ये फूली फूली रहेगी बगैर बेकिंग पाउडर के और बेकिंग सोडा के हम इसको तैयार करेंगे और कमाल के ये हमारे फ्राई होंगे क्या चीज़ हम इसमें डालेंगे जिससे ये इनका टेस्ट दो गुना ज़्यादा हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है ब्रेड तो ब्रेड मैंने इधर आठ हद ब्रेड ले लिए हैं और इधर मैंने तीन अदद उबले हुए आलू ले लिए हैं अनारदाना ले लिए वन टेबल स्पून लाल मिर्च ले ली है वन टेबल स्पून भुना हुआ जीरा ले लिया वन टेबल स्पून दो अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं इधर इधर मैंने आमचूर पाउडर लिया वन टेबल स्पून और हाफ हाफ़ टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है और वन टीस्पून नमक लिया है यहाँ पर ज़रूरत है और इधर सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन थ्री टेबल स्पून जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू को डाल देंगे यहाँ दोस्तों हमने आलू बॉयल हैं और बॉयल आलू को क्यों हम इधर बुन रहे हैं क्यों हमने इसको बुनना है आलू को जब हम बॉयल करते हैं तो इसमें मॉइस्चर यानी कि पानी रह जाता है और पानी को खुश करने के लिए फिर हमें को बुनना पड़ता है बुनना क्यों पड़ता है बुनना इसलिए पड़ता है कि अगर हम जब इसका बैटर जो है वो ब्रेड पकौड़ा में लगाएँगे तो वो फिर अगर हम इसको बुनेंगे नहीं डायरेक्ट इसमें मसाले ऐड करेंगे तो इसमें नमी रह जाएगी जिसकी वजह से ब्रेड पकोड़ा हमारा नरम पड़ जाएगा और वो इतना मजे का और क्रिस्पी नहीं रहेगा यही वजह है आलू को पहले फ्राई करने की तो अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्चें और कुछ हम खुश्क मसाले जो थे वो ऐड कर लेंगे इधर हम डालेंगे लाल मिर्च भुना हुआ जीरा अनारदाना आमचूर पाउडर खुश्क धनिया और नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा काट सकते हैं मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़रा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों की मकदार बढ़ा सकते हैं अभी हम इसको तकरीबन चार से पाँच मिनट भून लेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर से जो पानी है वो ड्राई हो सके और जो मसाला है वो अच्छे से जज्ब हो सके और साथ स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का हम इसको दबाएंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से मैश हो जाए तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आकर इसमें सब्जनिया भी ऐड कर सकते हैं और अभी मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैंने ऐड कर लिया है डेढ़ कप बेसन और इधर मैं इसमें डालूंगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इधर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते जाएंगे और इसको खूब फेंट लेंगे फोक की मदद मतलब से मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी आपने इधर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ये देख सकते हैं इस तरह का मैंने रखा है और इधर मैंने ले ली है कैचअप और इधर मैं लूँगी मेयोनीज तो मेयोनीज मैं लूँगी इधर तकरीबन थ्री टेबल स्पून म्योनीस थी और वन टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली आप चाहें तो ग्रीन चटनी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं मैंने मेयोनीज को अंदर ऐड किया ताकि मुझे एक अच्छा सा फ़्लेवर मिल सके इससे भी बहुत अच्छा एक फ़्लेवर आएगा अगर आप मियोनीज़ नहीं भी डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं मगर मेयोनीज से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा तो अभी हम क्या करेंगे इधर हमारे आलू भी जो हैं वो भी तैयार हैं और चटनियाँ भी हमारी तैयार हैं और अभी हम ब्रेड को लेंगे और सैंपल करेंगे यहाँ दो ब्रेड हमने ले लिए हैं और सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे ग्रीन चटनी अच्छे से सारे ब्रेड के ऊपर हम फैला लेंगे ब्रेड पकोड़ा का इतना मज़ा आता है कि दोस्तों बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और झटपट से बन जाती है इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत की नहीं ज़रूरत पड़ती आप आलू को बॉयल करें और आसानी से फ़ौर से बनाएं और मेहमानों को दें बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है आप टी टाइम में भी इसको बना कर आप इसे टी टाइम में भी बना कर सर्व कर सकते हैं बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होते हैं और अभी एक स्लाइस पे मैंने कैचअप लगा ली थी और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे समोसा शेप में आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे रेडी हो चुके हैं इसी तरह मैंने दूसरों को भी रेडी कर लिया था तो इतनी देर में हमारा जो बैटर था इसको पाँच से दस मिनट मिल गए थे रेस्ट के लिए आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है और जैसे ही हमने इसको फेंटा था ये फ्लफी सा हो गया था तो अभी हम इस पर कोट कर लेंगे फिंगर की मदद से अच्छे से अगर आप चाहें तो आप बेसन की मकदार बढ़ा भी सकते हैं मगर मैंने इसकी इतनी ही रखी है इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेंगे और आयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था आयल का टेम्परेचर हमने दरमियाना रखना है बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना वरना ब्रेड पकौड़ा जल जाएंगे एक मिनट एक साइड को फ़्राई करेंगे फिर एक मिनट दूसरी साइड को फ़्राई करेंगे तो ये देखें कमाल के ये हमारे फ्राई हो चुके हैं और ज़बरदस्त कलर भी आ चुका था हल्दी का हमने इस्तेमाल नहीं किया था और फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया था और अभी ये देखें ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े रेडी हैं तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा ट्राई कीजिए अफ्तार में झटपट से बन जाते हैं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती करें ये देखें कितने ज़बरदस्े है हमारे रेडियो हैं अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फ़ीमान ला